नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवां वेतन आयोग देने से संबंधित अधिसूचना वित्त विभाग ने आज 30 अक्टूबर 2017 को जारी कर दी है। इसमें विन जो पे स्केल्स हैं उनमें 14% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, और इसके बाद जो बेसिक पे है राज्य कर्मचारियों की उसमें 2.57 का फायदा हुआ है। जैसा कि ये प्रेस नोटिफिकेशन आपके सामने है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसको राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 2017 इन्होंने कहा है। तो इसके अनुसार वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दे दिया है, और अब सभी जो राज्य कर्मचारी हैं उन्हें 1 अक्टूबर 2017 से सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। मतलब अक्टूबर दो की जो 2017 की जो सैलरी होगी वो राज्य कर्मचारियों की बढ़ी हुई मिलेगी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि अब जो आपका लेवल है वो कौन सा लेवल हो जाएगा, ग्रेड पे के अनुसार लेवल में क्या चेंज होगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि सूचना आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन दिया गया है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो नया पे मैट्रिक्स है वो क्या है, और किस एम्प्लॉय का कौन सा लेवल रहेगा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद में। तो दोस्तों, ये आपके सामने है रिवाइज पे रूल्स का शेड्यूल वन है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में जो ग्रेड पे बैंड है उसका कौन सा ग्रेड पे कौन सा लेवल में होता है, और सॉरी पे नंबर ग्रेड पे का नंबर कौन सा है, और नया जो पे मैट्रिक्स में उसका लेवल रहेगा वो कौन सा रहेगा। जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी जो ग्रेड पे का सिस्टम था उसको सरकार ने खत्म कर दिया है, और अब सभी कर्मचारियों का जो ग्रेड पे था उसको लेवल से जाना जाने लगा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पे बैंड वन था 5200 से 2000 ग्रेड पे, वो जिसका पे बैंड था उसको, जिसमें था ये 1700 से लेके 2800 ग्रेड पे तक, उन सब का यहाँ पे लेवल अब अलग कर दिया है। कि जो एम्प्लॉई 1700 में था उसका लेवल L1 रहेगा, 1750 वाले का L2, 1900 वाले का L3, 2000 वाले का L4। तो ऐसे करके आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि ग्रेड पे के अनुसार कौन सा अब नया लेवल रहेगा। उसके बाद में PB2 9300 से 34800 तक जिनका पेमेंट था उनका 3600 ग्रेड पे में था पहले 3600 से 5400, अब उनका जो 3600 में था उनका नया लेवल हो जाएगा L10, लेवल 10। 4200 ग्रेड पे वालों का लेवल 11 हो जाएगा, 4800 वालों का हो जाएगा लेवल 12, और जो 5400 ग्रेड पे में थे उनका अब हो जाएगा लेवल 13। और इसके बाद में हम आपको ग्रेड पे के अनुसार या लेवल के अनुसार कितना मिनिमम सैलरी रहेगा वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो भी आप जरूर देखिएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने PB3 दिया हुआ है, PB3 में जो 5400 ग्रेड पे आते हैं उनका लेवल हो जाएगा 14, और उसमें 5400 से लेके 8200 तक जो भी ग्रेड पे हैं सबका लेवल यहाँ पे दिया हुआ है, PB4 का भी दिया हुआ है। फिर अब यहाँ पे ये है पे मैट्रिक्स, जिसके अनुसार सभी जो राज्य कर्मचारी हैं उनका जो नया सैलरी है वो रिवाइज किया जाएगा 1 अक्टूबर 2017 से। तो जैसे कि जो एम्प्लॉई वर्तमान में अभी 1700 ग्रेड पे में था उसका नया लेवल हो जाएगा लेवल 1, और इनिशियल जो सैलरी रहेगी मिनिमम वो 17700 फिक्स की जाएगी किसी भी राज्य कर्मचारी की जो कि लेवल L1 में है। इसी प्रकार जो भी राज्य कर्मचारी जिस भी ग्रेड पे में है उस ग्रेड पे के अनुसार जो भी सेल 1 में जो वैल्यू आ रही है वो उसका मिनिमम सैलरी होगा ये वेतन आयोग लागू होने के बाद में। जैसे कि मान लो कोई अभी जो राज्य कर्मचारी है वो 1900 ग्रेड पे में है, तो उसका स्टार्टिंग जो सैलरी है वो फिक्स किया जाएगा 18200 रुपये, ये हो रहेगा ज्वाइनिंग के टाइम पर। जैसे ही उसको इंक्रीमेंट मिलता है
वार्षिक बढ़ोतरी वेतन में, तो उसका जो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 18,700 रुपये है, तो वो उसका एक इंक्रीमेंट के बाद में रहेगा सैलरी। तो जैसे जैसे इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, उनका जो सैलरी है वो इसी कॉलम में जो नीचे वाली वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी सैलरी उस हिसाब से। तो यहाँ पे इन्होंने लगभग सभी जो ग्रेड पे और लेवल हैं उनका सैलरी दिया हुआ है कि किस हिसाब से जो राज्य कर्मचारी हैं उनका जो सैलरी है वो फिक्स किया जाएगा 1 अक्टूबर 2017 से। तो दोस्तों आप भी इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से कितना सैलरी बनेगा राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों का 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद में। तो इसमें इन्होंने लगभग 40 सेल दी हुई हैं, इसमें हर एक ग्रेड पे के अनुसार अलग अलग जो भी सैलरी रहेगा वो भी इस पूरी तरह से यहाँ पे बताया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं सूचना आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, और एक बार फिर से आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।